जी हेलो व्यूअर्स मैं हूँ कमर चीमा और व्यूअर्स आप देख रहे हैं मेरे साथ आपके सबके हम सबके बड़े जाने माने एनालिस्ट और इंडिया पार्क तालुकात के लिए जो बर्फ़ पिघलाने के लिए जो हमेशा रोल प्ले करते रहते हैं अरविंद सहारान साहब अरविंद भाई आपके वक्त का बहुत शुक्रिया थैंक यू चीमा साहब बहुत महबाद अच्छा अरविंद भाई अमूमन हमने हर जो डिस्कशन होती है वो हार्ड पॉलिटिक्स से हम शुरू करते हैं हार्ड पॉलिटिक्स मीनस की सिक्योरिटी इंडिया ने ये कर दिया पाकिस्तान ने ये कर दिया फौजों ने ये कर दिया सियासतदानों ने ये कर दिया लेकिन मैं और आप क्योंकि हम सिविल सोसाइटी के मेम्बर हैं और हम ना तो सरकार को रिप्रजेंट करते हैं ना हमारा सरकार से कोई लेन देन है तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि और जो मेरा जो बेसिकली मुद्दा है या जो मेरे जो क्वेश्चन है कि सरकारों ने तो माहौल खराब किया और आवाम ने उसको भय कर लिया और अवाम ने अपने ऊपर उसको तारी कर लिया और ये मान लिया कि जो सरकार कर रही है ठीक कर रही है लेकिन जो माशरे हैं हमारी जो हमारी सिविल सोसाइटी है पाकिस्तान और भारत की वो क्यों इतनी रिलेक्टेंड है इंगेज होने में और अगर हम इंगेज होना भी चाहते हैं तो हम एक दूसरे को मानते नहीं हैं हम रिक्नाइज नहीं करते हम अगर मैं कोई बात कर रहा हूं तो मुझे कहेंगे कि यार ये झूठ बोल रहा होगा अगर कोई और बात कर रहा है तो उसे कह रहे होंगे यार ये झूठ बोल रहा है तो आप क्या समझते हैं क्या सिविल सोसाइटी इंगेज नहीं हो सकती अब तो प्लेटफॉर्म्स अब तो uh, हुकूमत की पैटर्नेज की भी जरूरत नहीं है और इवन के पैसों की भी जरूरत नहीं है इंगेज होने के लिए सो व्हाई देर इज स्टिल डिस्कनेक्ट इन द सोसाइटी और यू बिलीव कि नहीं अब चीजें बेहतर हो रही हैं थैंक यू चिमन साहब मुझे लग रहा है कि चीजें पहले से काफी बेहतर हो रही हैं द फैक्ट दैट आज से 20 साल पहले अगर आप देखें तो लोगों के पास में आपस में बात करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था कभी-कभार कोई आपके फोन पे इंटरनेशनल कॉल आ जाती थी पता लगता था जी कि, कि किसी ने गलती से कोई नंबर मिला रहा था उस पार से और आपका नंबर लग गया बाय चांस ऐसा हुआ था हमारे इलाके में दो चार लोगों के साथ और जो बातें सुनने को मिलती थी वो ये थी कि साहब हम बात करना चाहते हैं कभी आपके वहां पे क्या कुछ हो रहा है क्या सोसाइटी में मसले हैं खेतीबाड़ी में क्या प्रॉब्लम्स हैं तो इस किस्म के लिए जो जो भी छोटे मोटे इश्यूज हैं उनके लिए लोग फोन कर लिया करते थे कि चले यार कंट्री कोड हमें पता है नंबर लगा के देखते हैं कि कहीं ना कहीं तो लगेगा उन्हीं से बात करना शुरू कर देंगे ऐसे वाकयात तो मैं उस दौर की बात बता रहा हूं आपको जब इंटरनेट नहीं था लोग आपस में बात नहीं करते थे इतने ज्यादा सेटेलाइट टीवी चैनल्स नहीं थे अब तो चीमा साहब आप देखें मेरा हर प्रोग्राम जो है करीब करीब अक्रॉस द बॉर्डर ही होता है किसी ना किसी से पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान में ना सही तो किसी पाकिस्तानी से बैरूनी मुल्क में बात हो रही होती है आपके सारे मेहमान ज्यादातर हिंदुस्तान से होते हैं ठीक है, है कभी हम कोई एक अच्छे नोट से बात शुरू नहीं करते कभी कभार हमारे ऊपर एक प्रेशर भी होता है कि नहीं जी आवाम के सामने लोग लो, लोगों के जहन में होती है बात की जी ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने होते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं कहीं पे पीछे रह जाऊं कहीं पे और लोग मुझे कहें कि यार तुमने तो एक पाकिस्तानी बोल रहा था तुम तो जवाब ही नहीं दे पाए या आपके साथ हो गए हिंदुस्तानी इतनी सारी बातें कर गया मैं तो जवाब ही नहीं दे सका तो वो प्रेशर जो है वो एक वक्त होगा तब तक लोगों के ऊपर रहेगा मगर आफ्टर अ अल जब एक दूसरे के ऊपर पूरी गर्मा गर्मी निकाल चुके होंगे उसके बाद में फिर सेंस प्रिवेल करेगा और ये हमारे आपके दरमियान ही आप ले लें और उसके बाद में फिर इंसान को लगता है कि नहीं यार चलें कोई ऐसी बात करें जिससे कि आवाम का फायदा हो और इस खत्े में थोड़ी टेंशन कम हो तो बात तो हो रही है चीमा साहब अच्छी हो रही है बुरी हो रही है ये डिपेंड करता है कि टॉपिक किसके किस, किस नौत का है लेकिन जहां तक इंटरेक्शन का ताल्लुक है वो बदस्तूर जारी है और आज आज जितना हो रहा है उतना कभी हुआ ही नहीं पहले कभी बिल्कुल सही है लेकिन एक मैं सवाल आपसे यह भी करना चाहता हूं कि जो हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ ली जो नैरेटिव्स हम लोगों ने बाय कर लिए फॉर एग्जांपल मैं मैं किसी की बात नहीं करता मैं अपनी बात करता हूँ जब मैं पढ़ना पढ़ रहा था और पढ़ाने की कोशिश कर रहा था तो मैंने देखा यार के देखो इंडिया ने कितनी ज्यादा की है और ये किस तरह की चीजें हैं एंड देन लेटर ऑन जब मजीद पढ़ा जब मजीद स्टडी की जब मजीद ऑब्जेक्टिवली थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की तो मैंने कहने यार साढ़े भी मसले है ऐसा ओना तेना पाओ अः आप अपना भी जो है ना ख्याल करो ये हमने क्या क्या हरकतें करते रहे हैं और हमारे क्या क्या मसाइल हैं तो ये जो जो जितना लिटरेचर या जितनी चीजें हमने कर ली हैं आप क्या समझते हैं कि जो लिटरेचर यूथ ने पढ़ा है हर बंदे के पास तो इतनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके तो ये जो जिन लोगों के जेनों में दिमागों में चीजें चली गई हैं नफरत चली गई है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है एट द एंड ऑफ द डे में आप हम काम तो कर रहे हैं स्लोली स्लोली कभी हम गुस्से भी हो जाते हैं कभी हमें आता है कि यार देखो इंडिया ने अभी ये किया है है इमीडिएटली कोई गुस्से वाली बात कर देंगे लेकिन एट एंड हमें ये होता है, नहीं यार वी हैव टू कनेक्ट पीपल वी हैव टू जेल पीपल तो लोगों तक ये जो यूथ है उन जो जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकें और वो मेजोरिटी है नंबर में इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी यहां पे भी आप देख ले 40 50% के करीब तो अनपढ़ लोग हैं गवर्नमेंट कहती रहती है इतने हैं लेकिन 50% के करीब शायद इसके लगभग ही होंगे एंड सेम इज केस समवेयर अराउंड इंडिया में बाय 35 40% सो so, इन लोगों तक कैसे आउटरीच की जाए या इन लोगों को कैसे समझाया जाए या कैसे चीजों को नरम किया जाए बड़ा अच्छा सवाल है जीमा साहब आपका सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता चलूं कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता कोई अगर मुझे ये कहे और मुझे दिखा दे कि जी कोई टेक्स्ट बुक में तब्दीली हुई है हाल ही में जो गवर्नमेंट आई है बीजेपी की उसके दौरान आज से दो साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रकाश जावड़ेकर हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं बीजेपी में तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि जी आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि आप टेक्स्ट बुक में तब्दीली आपने की है तो उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज कर रहा हूं यहां पर कि आप मुझे एक फुल स्टॉप या कॉमा भी कहीं पर अगर चेंज हुआ है पिछली हुकूमत से लेके अब तक हमारे बोर्ड की किसी भी किताब में तो वी कैन टॉक अबाउट इट वो दिन है और आज का दिन है और इस इसी साल मेरा एक अपना भांजा है उसकी तालीम खत्म हुई है स्कूलिंग सारी तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा यार हमारे जमाने में ये सिलेबस हुआ करता था आज बताओ इसमें क्या क्या कोई तरमीम हुई है एंड ही सेड कि नहीं कोई तरमीम नहीं हुई है आप जो बता रहे हैं यही चीजें पढ़ी है मैंने भी हाँ बस ये है कि अब थोड़े से कंप्यूटर साइंस को एज अ सब्जेक्ट ज्यादा उसे एक जो है इंपॉर्टेंस के साथ देखा जाता है आप जब पढ़ते थे उस टाइम वो नई नई चीज थी इट वॉज काइंड ऑफ एन ऑप्शनल अब वो एक मेन सब्जेक्ट है जो चूज कर सकते हैं आप साथ में तो सीमा साहब आज जो माहौल हो रहा है उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ कि यहाँ तक पहुंचे क्यों हैं हम आपको ये बात मैं पहले भी शायद आपको नहीं तो किसी और को कह चुका हूं और पूरी दयानतदारी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं हमारे किसी भी कोर्स करिकुलम में आज तक पाकिस्तान के साथ जितनी भी कोई झड़पें हुई हैं जंगें, कुछ भी हुआ है कभी उसका कोई जिक्र नहीं है उसकी वजह बड़ी साफ साफ सी है अगर हमने वो चीजें डाली होती तो फिर ये भी बताना होता है कि जी सामने वाला कमांडर है उसका नाम याया खान था या उसका नाम अयूब खान था या उसका नाम जनरल मुशर्रफ था तो कहेंगे यार इन नामों के लोग तो हमारे आस पास मोहल्लों में नहीं रहते हैं तो वो नफरत जो है ना वो पाकिस्तान तक नहीं रुकती वो मुसलमानों तक भी ट्रांसलेट हो जाती तो यही आज हो रहा है कि वो जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत है जो सोशल मीडिया के थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू प्रोपोगेट की जाती है एक पर्टिकुलर जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको सपोर्ट करने के लिए तो उसके शक के दायरे में फिर भारत का मुसलमान भी आ जाता है तो जब गेहूं पिसता है तो साथ में घुन भी पिस जाता है चीमा साहब हम्म तो ये ये वजह है कि आज कोई भी चीज होती है ना जब वो आती है फिर वो चाहे इंटरनेट हो या कोई एक बंदूक हो बंदूक से किसी का कत्ल भी कर सकते हैं किसी की हिफाजत भी कर सकते हैं तो अब ये जो है दो धारी तलवार हो गया है इसका अच्छा, इसका अच्छा इस्तेमाल करने वाले लोग भी हैं लेकिन वो थोड़े से कम दिखाई पड़ते हैं वजह उसकी बड़ी साफ है कि बुराई जितनी जल्दी से फैलती है अच्छाई को फैलने में थोड़ा वक्त लगता है तो वो आज उन लोगों के हाथ में बदकिस्मती से नैरेटिव है और वो पाकिस्तान के खिलाफ बना रहे हैं मगर ये एक वक्ती चीज है ये ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकेगी ऑन दी अदर साइड आपके यहां से वो जो नफरत है वो तो पहले दिन से ही बनाई गई है एज इन की पाकिस्तान की आइडेंटिटी तभी तक मुमकिन है जब तक कि आप हिंदुस्तान से नफरत करें और इंडिया से जब नफरत होगी तो, तो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को एक जवाब मिल जाता है और वो फिर किताबों में भी ट्रांसलेट होता है आई एम श्योर आप मुत पाकिस्तान पढ़कर बड़े हुए होंगे पाकिस्तान स्टडीज में जिस किस्म का झूठ पढ़ाया जाता है हमारे यहां पे नहीं पढ़ाया जाता ये आप आए इंडिया आए आप रिसर्च करें एक इंटरेस्टिंग आप... सवाल है ये है एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे जेन में आ रहा है जी जी बस मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं उसके बाद में आप ये एक जो फर्क है आज इंडिया जो काम है पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सोसाइटी में किया है इंडिया के खिलाफ नफरत उभारने में वो काम हमारे यहां पर सोशल मीडिया कर रहा है किस हक के और मेन स्ट्रीम मीडिया भी कर रहा है बड़ी बड़ी उसमें एक लेवल में आज अगर देखें बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं जिनका काम भी सारे दिन यही है तो प्लीज इसके बाद अगर आप कुछ पूछना चाहें तो जी आपने कहा कि पाकिस्तान में मुतल पाकिस्तान और हिस्ट्री इसमें कोई शक नहीं है कि ये ये पाकिस्तान में बहुत लिटरेचर लिखा भी गया और पढ़ा भी गया और जो एक प्रोग्रेसिव तबका था उसने ये समझा कि हमें सही तारीख नहीं पढ़ाई गई और वो एक डॉक्टर्ड हिस्ट्री और रियासत ने अपनी मर्जी से हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश की क्योंकि हम जो अपनी सर्वाइवल है एग्जिस्टेंस है उसको उसका जो नेरेटिव था उसको रेलिवेंट रखना चाह रहे थे चले पाकिस्तान में तो जो मतलब पाकिस्तान में मान लिया आपने कहा कि इंडिया में एजुकेशन के में ऐसी कोई तब्दीलियां ऐसी कोई वजूहत नहीं है मुझे ये बताया फिर कि पाकिस्तान में तो मुताल पाकिस्तान पढ़ा और हम ये एंटी इंडिया हो गए इंडिया ने ऐसा क्या पढ़ा कि इंडियन भी उतने ही एंटी पाकिस्तान है ये सोशल मीडिया तो अभी की बात है ना ये तो इस जनरेशन की ये जो अभी बच्चों के हाथ में मोबाइल आए हैं उससे पहले जिन बुजुर्गों को मैं और आप मिलते हैं अरविंद साहब क्या वो उनका परस्पेक्टिव कोई हमसे है आ, लाखों हजारों आ, जो इंडियंस हैं उनसे मैं मेरी बात होती है वर्चुअली मेरे एक मोबाइल नंबर है उस पर बहुत सारे लोग मैसेजेस भेजते हैं वीडियो ज्यादा वैसे पॉजिटिव मैसेज ही होते हैं क्योंकि आई एम फॉर पॉजिटिविटी लेकिन इंडिया में क्यों इस तरह का माहौल खराब है पाकिस्तान में इस ये पांच सात साल की जो सोशल मीडिया जनरेशन को छोड़ दें और इनको इनके हाथ में आते ही मोबाइल दे दिया गया तो उनको कैसे पता था कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये पर्सपेक्टिव रखना है तो जरा तो इसमें भी थोड़ा हमें अवेयर कीजिए ये सब शुरू होता है जब सबसे पहले फेसबुक आया YouTube भी YouTube थोड़ा सा उससे पहले आ गया था और Facebook उसके साल दो साल बाद आया तो उस वक्त ये कहानी शुरू होती है चीमा साहब लेकिन आते ही तो कोई चीज हर आदमी तक नहीं पहुंचती है ना उसको पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है तो मैं समझता हूं कि चले आप सन सैतालीस से लेकर कारगिल वॉर तक का जो हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट का पीरियड रहा जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट दोनों मुल्कों में रहे वो कारगिल वॉर के बाद में खत्म हो गए तो कारगिल वॉर के बाद में क्या हुआ कारगिल वॉर के बाद में जनरल मुशरफ से डायलॉग हुआ वो आगरा आए हमारी पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ उसके बावजूद भी डायलॉग हमारे होते रहे और फिर ये दोनों मुल्कों में कहीं ना कहीं पे अंडरस्टैंडिंग बनी कि ये जो टेंशन बन चुकी है हमारे दरमियान आई बॉल टू आई बॉल हमारी फोर्सेस रही तकरीबन साल भर तक अब मुझे अच्छी तरह से याद है मेरा घर बॉर्डर इलाके से है तो खेतों में लोगों के माइंस डाल दी गई और उसकी वजह से जो परेशानी हुई लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते है थे लोगों का रोजगार चला गया बहुत सारे प्रॉब्लम पेश आई फिर हुकूमतों को भी एहसास हुआ कि यार हम हमसे भी कहीं ना कहीं पे गलती हो रही है और क्यों ना हम एक पूरी कोशिश करें कि इसको पूरा रीसेट करें हमारे ताल्लुक को थोड़ा बेहतरी की तरफ जाए तो उसमें जो किरदार जनरल मुशरफ का कारगिल की जंग के दौरान था उससे बिल्कुल बरक्स उनका करदार रहा जब दो हजार दो हजार चार में हमारी क्रिकेट टीम जनवरी फरवरी का महीना होगा जब गई है पाकिस्तान खेलने और जिस प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ वहां उनका इस्तकबाल हुआ और जिस तरह से हमारे प्लेयर्स को ही नहीं जितने भी पंद्रह बीस हजार इंडियंस गए थे वहां पे मैचेस देखने के लिए टेस्ट मैच सीरीज थी वनडे सीरीज भी थी पांच मैचेस की तो लोगों को लगा यार कि ये तो बहुत अच्छा एक जेस्चर है और क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए तो जिस किस्म की हालांकि पाकिस्तान उस वक्त वॉर ऑन टेरर में बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ था लेकिन उसके बावजूद हम हमें जो वहां पे मेहमान नवाजी मिली और जिस किस्म से लोगों ने जो है जिस गर्म जोशी से सबका इस्तकबाल किया वो देखने लायक था वो आज भी उसके बारे में सौरभ गांगुली हो या सचिन हो कोई भी हो उसकी बात करते हैं तो अच्छा तो फिर हुआ क्या फिर 2004 से लेकर और 2008 के बीच हमारे ताल्लुक बहुत अच्छे हो गए करीब करीब हर साल इंडिया पाकिस्तान में बायोलेट्रल सीरीज होती थी क्रिकेट मैचेस की पहली बार 2008 में जब आईपीएल हुआ तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए हमारे स्टेडियम्स में तालियां बज रही थी और उनको चीयर किया जा रहा था फिर मुंबई का वाक्य हुआ साहब मुंबई का टेररिस अटैक जब हुआ तो सब कुछ मानो कि सब कुछ उसी वक्त बंद हो गया वो तमाम लोग जो आर्टिस्ट पाकिस्तान से आए हुए थे उन्हें रातों रात इंडिया छोड़ के और वापस जाना पड़ा वो दिन है और आज का दिन है उसके बाद मुसलसल हमारे रिश्ते बिगड़ते चले गए मिया साहब आए तो एक उम्मीद दोबारा जगी लेकिन वो भी ज्यादा टाइम तक टिक ना सके और वो गए हैं तो उसके बाद आप देख लें फिर फिर उसके बाद पठानकोट है उड़ी है पुलवामा है ये सारे जो फैक्टर्स हैं और लोगों में भी ना हमारी हमारी सिविल सोसाइटी में भी एक फटीक का फैक्टर आ गया था पाकिस्तान को लेके कि इनफ़ इज़ इनफ़ कभी ना कभी तो जब आप कोई एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन आता है चीमा साहब तो उस टाइम तक 2008 में सोशल मीडिया इतना प्रेवलेंट नहीं हुआ था हमारी सोसाइटी में वो नई नई चीज आई ही थी मोबाइल डाटा बड़ा एक्सपेंसिव था अब ये 2014 के बाद में मोबाइल डाटा ये कह लें कि एक तरह से फ्री हो गया है अनलिमिटेड डाटा लोगों को मिलता है पहले तो कोई वीडियो देखना पड़ता था मुझे अच्छी तरह से याद है मैं कभी छुट्टियों में इंडिया जाता था तो वीडियो देखने के लिए सबसे कम रेजोल्यूशन पर वीडियो को यूट्यूब पे प्ले करना पड़ता था कहीं डाटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता था फिर जब रिलायंस का ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया इसके बाद में डाटा अनलिमिटेड हो गया जी एक तरह से अब लोगों के पास वक्त ही वक्त है वो सारे दिन काम ही यही करते हैं तो चीमा साहब तब में और अब में ये फर्क आया है लोगों के अंदर और फिर जो इस हुकूमत का बयानिया रहा है 2014 के दौरान तो नहीं था लेकिन 2019 के बाद बहुत ही ज्यादा एंटी पाकिस्तान हो गया था जब से पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद लेकिन अरविंद भाई मैं आपकी इस बात से थोड़ा एग्री करता हूं कि ये जो पिछले 20 साल है इसमें माहौल ज्यादा खराब हुआ है लेकिन अरविंद भाई इससे पहले की जो पचास साल की तारीख है आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर जाएंगे आप जो 1947 में हुआ जैसे हमारी पार्टीशन हुई मुझे ये बताएं जो उस जनरेशन ने जो सीना गजट दिया कि हमारे साथ फर्स्ट एंड क्या एक्सपीरियंस हुआ मैं किसी एक को ये नहीं कह रहा कौन सही कौन गलत यानी कि हर एक के अदा लहदा एक्सपीरियंस है ना कोई एक कोई यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस कहीं पे भी नहीं है सो so, नाइनटीन uh, uh, को आप इग्नोर करेंगे उससे पहले जो हिंदू मुस्लिम एनमोसिटी है नहीं नहीं मैं नहीं नहीं आपने मैंने जब सवाल किया ना आपसे आपने मैंने कहा आपने कहा कि आपको मतलब पाकिस्तान पढ़ाई गई मैंने कहा बिल्कुल ठीक है मुताया पाकिस्तान पढ़ाई गई और वो कॉन्स्टेंटली इंडियंस के बारे Hindus के बारे वो जो एक चीज चली वो एक ऑबियसली उसको लोग बहुत सारे लोग प्रोसेस नहीं कर सके देखिए आप चीजें सुनते हैं आप पढ़ते हैं आप देखते हैं लेकिन बेहतर एनालिसिस वही कर सकता है जो प्रोसेस कर सकता है उस सारे चीज को और उसके लिए जारी बात आपका बैकग्राउंड नॉलेज होना जरूरी है और वह सारा कुछ लेकिन आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की ये जो पिछले 20 साल की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है इसने इंडिया के अंदर वो फुटीक जनरेट कर दी लेकिन जो पिछले 50 साल के हमारे हैं उसकी वजह से आप समझते हैं कि मामला के अंदर पाकिस्तान के बारे में अनोमोसिटी है कश्मीर है पार्टीशन है और कश्मीर के ऊपर दो तीन जंगे हैं आपका न्यूक्लियर वेपन बनाना पाकिस्तान को उसको फॉलो करना मतलब डोंट यू थिंक दिस इज ऑल दिस दीज आर ऑल्सो रीजन Uh, जिसको विच विच प्लेड अ वेरी वेरी स्ट्रांग रोल ऑन इंडियन साइड इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अ सॉर्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट ऑफ एनोमिटी बहुत अच्छा सवाल है और मैं समझता हूं बहुत ही वाजिब सवाल भी है देखें साहब हुकूमत अगर अपने पे आ जाए तो वो बड़े से बड़े जख्म को भी भर सकती है हम सन 47 में जो गदर हुई और उसमें पंजाब पाकिस्तान से हिंदू और सिखों को मार के भगाया गया हमारी तरफ ईस्ट पंजाब से मुसलमानों को दरबदर किया गया उनका कत्लेआम हुआ तो एक लोगों में गमो रंजिश का माहौल था गुस्सा था कहीं ना कहीं पे वो दिखाई भी देता था मगर एंड ऑफ द डे ये हमारी हुकूमतों के ऊपर था कि वो इसको या तो और इसको क्या कहते हैं हवा देते हैं इसको और बढ़ाते हैं या इसे कम करते हैं तो पंडित नेहरू ने उसे कम किया उसे कम किया हमारे ऑफिशियल नैरेटिव में से पाकिस्तान गायब था सन सैतालीस से लेकर अप पंटिल मैं कहूंगा कारगिल की वॉर तक पाकिस्तान का इतना जिक्र नहीं होता था आपको खबर कहां से मिलेगी ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन और फिर हमारे अखबार हेलो जी जी मैं ये कह रहा हूं कि आपको खबर कहां से मिलेगी खबर आपको मिलेगी ऑल इंडिया रेडियो से आपको दूरदर्शन से और हमारे जि, जितने भी तमाम अखबार हैं उनसे जब हुकूमत की ये पॉलिसी हो कि ऑलरेडी हमारे लोगों के सीने में पार्टिशन का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ हुआ है तो ऐसे में हर वो छोटी बात अगर कोई थोड़ा बहुत मसला हो भी जाता था पैंसठ की जंग हो गई या कुछ भी तो उसको बढ़ा चढ़ा के रिपोर्ट नहीं किया जाता था उसका सिविल सोसाइटी पर इतना कोई खास असर नहीं था। ये तो आप भी जानते हैं कि पैंसठ की जंग हुई तो वो एक लिमिटेड वॉरफेयर थी और बॉर्डर पे ही हुई ना ही तो इंडिया ने और ना ही पाकिस्तान ने एक दूसरे के सिविलियन जो एरियाज हैं उनके ऊपर अटैक नहीं किया जहां पर लोग रहते हो कश्मीर थोड़ा सा बिल्कुल बॉर्डर पे है बाकी अगर आप देखें तो ज्यादा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ थोड़ा बहुत हुआ भी है तो पंजाब के लोगों को पता है या फिर राजस्थान को अदर देन दैट ईस्ट पाकिस्तान में तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ था उस टाइम पे हम्म तो जब हुकूमत का बयानिया जो है वो इस किस्म का हो कि वो हर खबर को फिल्टर करें और आम लोगों पर एक तो ये ये खबर को रिपोर्ट करने का जो तरीका हो कि जी खूब उस पर मसाला लगा के और आप बढ़ा चढ़ा के उसको दिखाएं कि पाकिस्तान ने पता नहीं क्या कर दिया हाल ही की एक खबर है जो टी ने प्रोटेस्ट किए तो हमारे यहां पर रिपब्लिक टीवी ने ये दिखाया कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो गया है यू यू नो इट सिविल वॉर वर्ड यूज किया था आज भी कोई गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके देख सकता है सिविल वॉर बहुत बड़े वर्ड्स हैं दोनों बहुत बड़े वर्ड्स हैं उनको इतनी लाइटली इस्तेमाल नहीं किया जाता तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था जैसा आज होता है सर तो उस, उन वो खबरें फिल्टर होकर आती थी और उनको किसी भी तरह का गवर्नमेंट टूल नहीं देती थी इसलिए ये नफरत इतनी नहीं थी तभी तो देखे ना वो नफरत अगर होती तो वो पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहती वो हमारे मुसलमानों पर भी आती यही वजह है कि हमारा जो पहले सन सैतालीस से लेके और वेरी रिसेंट वो माहौल नहीं रहा जो माहौल लोगों को लगा होगा कि यार ऐसा हो सकता है अगर ऐसा होता तो आप ये देखें डेढ़ सौ के करीब है मैं नाम लेके एक एक दिन एक दिन लिस्ट बना रहा था कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं और जो मुस्लिम्स हैं वो कैसे फिर इतनी इतनी तरक्की करते अगर उस किस्म की शदीद नफरत होती तो तो ये ये बात है चीना साहब नहीं वो तो वैसे तो देखें अगर जितना बड़ा आपका मुल्क था अगर आप इन प्रोग्रेसिव लिबरल वैल्यू ये सेकुलर की बेस पे आप कॉन्स्टिट्यूशन ना रखते और मजहब की बेस पे रखते तो वैसे ही बड़े इंटरनल चैलेंजेस आ जाने थे हाँ अच्छा एक इंटरेस्टिंग सवाल है अरविंद भाई आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हमने ये देखा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इंडिया के 20 चैनल्स के नाम ले सकता हो पाकिस्तान के 10 चैनल के नाम ले सकता हो ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं कह रहा था कि भाई देखें, पाकिस्तान में जो प्राइवेट मीडिया आया अरविंद साहब वो लोग सारे सारे आए अपनी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कोई हाथ ना डाल सके और हमारे मीडिया में हाथ होगा तो हम अपने कारोबार को भी प्रोटेक्ट करेंगे सो देर नॉट मोटिवेटेड फॉर फ्रीडम ऑफ मीडिया और वो जो एक था सिमिलरली इंडिया में भी इसी तरह बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं वैसे भी जब आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है तो स्टेट आपको सबड्यू कर लेती है विद इंसेंटिव और विद स्टेक कैरेट एंड स्टिक दोनों पॉलिसी स्टेट के पास होती है जिस तरह हमने देखा है तो इसका मतलब है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया दुनिया हम इंडियंस एंड पाकिस्तानी जो उस पर रिलाय तो बहुत करते हैं तो किस तरह हम ये जो ऑल्टरनेट मीडिया इसको एम्पावर करें इसको क्रेडिबल बनाएं, इसको ठीक करें ताकि लोग जो वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी दाएं बाजू के वो राइट विंग मीडिया पे पाकिस्तान और भारत का जो मीडिया है उस पर जो बैठी हुई है उसको शिफ्ट कर लें हम और मेरा ख्याल है कि यहां पे हम लोगों को जस्टिस करना पड़ेगा जस्टिस बता दिए मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए मतलब हर बंदा हंड्रेड परसेंट वो ट्रूथ तो नहीं कर सकता जो हकीकत बात है उसकी अपनी पसंद नापसंद भी हो सकती है उसकी ऑब्जेक्टिविटी में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं तो ये जो ऑल्टरनेट मीडिया है इसको किस तरह मजीद एम्पावर किया जाए जिस तरह आपका प्लेटफॉर्म है मेरा छोटा सा प्लेटफॉर्म है कि हम किस तरह लोगों को एट द एंड ऑफ द डे कनेक्ट कर सकें और लोगों की जो एटलीस्ट uh, जो डिपेंडेंस है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से निकाल के सोशल मीडिया पे लेके आए एटलीस्ट ये डायलॉग डिस्कशन जिस तरह आपने शुरू में कहा कि बात तो हो रही है बात हो रही है और सबसे ज्यादा बात अभी हो रही है इससे पहले कभी बात नहीं हुई और मैं इस बात से किसी तक हूं कि अभी सबसे ज्यादा ही बात हो रही है तो आप इसको कैसे कहेंगे कैसे लोगों को वहां से निकाल के ऑल्टरनेट मीडिया पे लेके आया जाए बड़ा आसान है जी नंबर वन तो, तो जो काम करने की जरूरत है अरविंद भाई मुश्किल मुश्किल सवाल कर रहा हूँ आपसे जी 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 मुझे पता है बड़ा आसान है साहब नंबर वन तो जो काम करने की जरूरत है कि हर आदमी अपने आप से ईमानदारी से ये सवाल पूछे कि आज मैं किसी के साथ प्रोग्राम में बैठा था तो ऑन कैमरा जो मैं बात करके आया हूं क्या वो सच है या नहीं है क्या मैंने अपने काम के साथ इंसाफ किया है या नहीं किया है जहां तक आप ये जो शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो वो शिफ्ट भी आएगा पहले हम खुद से ईमानदारी करें हम तो साहब वो चिड़िया है जो एक एक तिनका जो है हम उठा के और अपना घोंसला बना रहे हैं वो जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनके पास में अपने बड़े बजट होते हैं वो नेशनल टीवी पे आते हैं उनकी रीच ज्यादा है लेकिन वो जो बयानिया बिल्डअप कर रहे हैं वो मैं समझता हूं कि वो एक तरह से वो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं वो खुद ही सबसे बड़े एंटी नेशनल हैं वजह उसकी ये है साहब कि पाकिस्तान से जंग हो और हम मारे जाएं खत्म हो जाएं ये तो मैं नहीं जानता कब होगा या कब नहीं होगा लेकिन अगर आपने हुकूमत के ऊपर जो चेक्स एंड बैलेंसेस रखने होते हैं मसलन बेरोजगारी के ऊपर आप बात नहीं करते आप बात नहीं करते कि आपकी जीडीपी जो है वो गिर रही है आपके ऊपर जॉब क्रिएशन का एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि वो आपने नहीं किया आपने जो आपने हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को बना के देनी चाहिए थी वो नहीं दी उसकी पोल खुल गई है अभी हाल ही में जो कोविड में अभी इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं तो ये तमाम चीजें जो हैं आप किसी को कब तक झूठ बोलते रहेंगे कि नहीं जी हमें ये खा जाएगा हमें वो खा जाएगा एंड ऑफ द डे जब सवाल आपकी अपनी रोटी पे आ जाएगा जब आपका कोई अपना अस्पताल में बेड के लिए चिल्ला चिल्ला के सड़क पे दम तोड़ देगा तब आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं यार इस पर तो बात करनी चाहिए थी तो ये चीजें जो है ना चीमा साहब ये एक टेम्प्रेरी तौर पे तो रह सकती हैं। इन द लॉन्ग रन इस नैरेटिव को ये जो फ्रॉड नैरेटिव है ये सस्टेनेबल नहीं है इसमें से हवा निकल गई है काफी हद तक तो और, और निकल जाएगी आप देखें तो सही एक आम आदमी के अगर पेट में रोटी ना हो आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं हम हमारे यहां पे गैरत लोग ढूंढने जाते हैं भूखे नंगे लोगों के बीच में भूखे नंगे भूखे नंगे लोगों के बीच में गैरत नहीं मिलती है किसी को वहां पर जिस किस्म की जो लोगों के अंदर एक तड़प होती है कि एक अपने मैं बच्चों का पेट पाल सकूं दो वक्त की रोटी उनको दे सकूं छोटा बच्चा है तो उसे दूध दे सकूं, अगर वो नहीं है ना तो सबर टूट जाता है और उस, उस सबर में फिर वो गुनाह की जुर्म की दुनिया में भी जाने से नहीं कतराता तो क्या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं हरगिज नहीं तो हम हमारा ये फर्ज बनता है कि हम पूरी दयानतदारी के साथ अपना जो काम है उसे करें और जहां तक ये जो शिफ्ट है ये देखना आप ये देखना ये आएगा और बड़ा जल्दी आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये यही लोग जो हैं ये लोगों की बात करनी भी शुरू कर देंगे कब तक आप लोगों को झूठ बोलेंगे जब घर में रोटी नहीं होगी पास में नौकरी नहीं होगी तो बंदा कभी ना कभी तो सोचेगा अगर कोई आके मुझे कहे तुम्हें नौकरी चाहिए तुम्हें पता नहीं चीन ने अटैक कर दिया है तुम्हें पता नहीं पाकिस्तान ने ये कर दिया है तो मैं डर जाऊंगा एक बार तो हाँ भाई ठीक बात है लेकिन मैं जब कभी भी नौकरी मांगूंगा मैं जब कभी भी दो वक्त की रोटी मांगूंगा और बार बार अगर मुझे यही बात कह के दबा दिया जाएगा और आपके यहां पर भी बार बार यही कह के दबा दिया जाएगा कि सारा का सारा जो आज हमारा फोकस है वो तो पाकिस्तान की सालमियत के लिए है उसको उसको बचाने के लिए है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने रोटी मांगी तो जनाब ये चीजें लंबे दौर टाइम तक सस्टेनेबल नहीं है ये आप ये तारीख भरी पड़ी है इन चीजों से इंसानी तारीख पूरी दुनिया में उठा के देख लें फिर वो दिन भी आएगा जब इनकलाब भी आएगा और कैसे आता है तो आप आप और हम अपना काम करते चले जाएं इसकी परवाह ना करें कि कौन सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है सही कह रहे हैं मैं वैसे लॉन्ग uh, और मैं ये सोचता हूं जो आपने बिल्कुल सही कहा कि एट द एंड ऑफ द डे जो चीज करने की ये है कि एक अल्टरनेट कम्युनिटी जनरेट होनी चाहिए और वो जो अल्टरनेट कम्युनिटी है वो उसको एक नई जो हिस्ट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए विच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स और उसमें जारी बात है कि यहाँ के लोग वहां के लोग बैठे हैं और एक नया ऐसा ट्रुथ जो है वो लेके आए जो विच इज जो कि एक्सेप्टेबल हो जिसको सब माने अगर हमारी तरफ को, को किसी की एक्सेप्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है चीमा साहब सच आप... अपना रास्ता खुद ब खुद तय करता है ना ही तो हमें और आपको बैठने की जरूरत है इन मुझसे आप पूछे कि जी क्या क्या मसला है और क्या प्रॉब्लम्स हैं मैं खुल के बताता हूं जी वैसे ही मैं आपसे भी तो रखूंगा कि जब बात वहां की हो तो आप भी खुलकर बयान करें तो सच अपने आप अपने रास्ते पे चल पड़ेगा सच को किसी की जरूरत नहीं है ना मेरी जरूरत है ना आपकी ना मुल्कों की बुरे से बुरा वक्त भी रहा है ना साहब सच ने तब भी अपना रास्ता तय किया है नहीं। कितने नहीं। लोग हैं मुझे ये बताएं कितने लोग हैं जो आज पाकिस्तान में ये कहते हो कि नहीं कि जी अकबर नामा में तो ये चीज लिखी हुई है कि फला बंदा ऐसा था फला बंदा वैसा था रियासती बयानिया कहता है कि दुल्ला भट्टी जो है वो कोई अच्छा आदमी नहीं था और वो कोई हीरो नहीं है लेकिन लोगों ने तारीख शाह हुसैन की पढ़ी तो दुला भट्टी हीरो है और रहेगा हमने उस वक्त से लेकर आज तक क्या अब तो पता नहीं कितनी नस्लें चली गई हैं, तो क्या सच दबा सच नहीं दबा चाहे चाहे तो किसी के बाप को दादे को चुबुर पे फांसी दी गई हो सच आज भी आवाम के दिलों में जिंदा है फिर वो चाहे वे... इस पार हो या उस पार हो आपकी बात में वजन है कि सच को कोई जरूरत नहीं होती लोगों तक सच पहुंच जाता है लेकिन मैं ये बात कर रहा था कि ये जो अल्टरनेट कम्युनिटी है इसका देखिए फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो यार ये चीजें भी थी मैं अपने ही टू बी तो फ्रैंक इनफ मैं अपना मास्टर्स का थीसिस कर रहा था और पाकिस्तान के बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी अगर आपने उनका नाम सुना हुआ है तो तो अभी मेरे थीसिस में लिखा हुआ है वो मास्टर्स के और वो प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्कृरी रिजवी मैंने थीसिस में लिखा कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की जगुलर वेन है शहरग है तो मुझे इन्होंने कहा कि आपने कहाँ से ये लिया ये मेरा इंटरव्यू हो रहा है एम का तो मैंने कहा सर ये देखे मैंने ये फिलहाल रेफरेंस दिया हुआ है तो फिर वो अब वो बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं तो मुझे पता चला और उन्होंने मुझे कहा उन्होंने कहा दिस वाज नेवर सेट बाय हिम ये बस ये लिखी गई है हिस्ट्री और दैट डजेंट मीन कि कश्मीर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान ऑब्वियसली कश्मीर इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान इज और नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है हमारे लिए लेकिन uh, उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो डेलीबरेटली लिखी गई जस्ट रिकॉर्ड कर ली गई और और ये मेरा थीसिस था मेरी ऑफिशियल डिग्री हो रही थी सो इट मीन्स के वट वी हैव बिन रीडिंग अगर मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके ठीक हो रहा हूं या मेरे बहुत सारी चीजें यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके ठीक हो रही हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि के, uh, कहीं लोगों की तो पूरी जिंदगी क्लियर नहीं होती होगी आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ द पीपल हु डोंट द एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन और टू द पीपल Them और वो जैसे मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो मैं बात कर रहा हूं हमारे इर्द गिर्द तो दुनिया नहीं घूमती और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ बोल रहे हैं और वेरी नॉइजी एंड दे आर वेरी आर सो so, मैं चाह रहा था कि जो मेरा मौकफ था इस हवाले से कि आ, एक इस तरह की कम्युनिटी जनरेट होनी चाहिए जिसमें इंडिया के एकेडमिशंस इंडिया के रिटायर्ड जनरल जजेस पॉलिटिशियंस एंड सेम हेयर नॉट ऑन दो नॉट डिपेंडेंट ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया बिकॉज द वन हु इज डिपेंडेंट ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया मे नॉट कम विद एक्चुअल ट्रूथ फ्रेंकली स्पीकिंग बिकॉज ऑफ द नीड्स ऑफ ऑल दैट वो जो रेटिंग इन ऑल दिस होता है लेकिन ये जो एक एक्चुअल कम्युनिटी है

कि उन बेचारों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर वो आके और रोज अपनी बात कह सकें मैं इंडिया की उस साइलेंट कम्युनिटी को जानता हूं उनसे मिलता भी हूं जाके उनसे बातें भी करता हूं पूछता भी हूं कि बताओ भाई कश्मीर का क्या किया जाए या पाकिस्तान का क्या किया जाए और मैंने ये सवाल पाकिस्तान में आकर भी लोगों से पूछे हैं और मैं आपको ये बता दूं चीमा साहब अपने दिल पर हाथ रख के कि दोनों तरफ की जो कम्युनिटी है उनका एक ही बयानिया है उनकी एक ही ख्वाहिशात है बचरते उन्हें कोई सुने। जहां तक आपने कहा कि जी कश्मीर हमारे लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये है वो है कोई भी खिता किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा नहीं हो सकता कि, कि वो उसकी जो कीमत है वो आपके अपने आवाम की दो वक्त की रोटी उनके उनके सर के ऊपर से एक छत और उनके पहनने वाले कपड़ों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं है खुलकर दयानदारी से आदमी को बात करनी चाहिए और मैं ऐसा नहीं है कि मैं हिंदुस्तान जाता नहीं हूं हर साल जाता रहता हूं तो कोविड आ गया फिर भी पिछले साल होकर आया हूं मुझे आज तक किसी ने परेशान नहीं किया कि तुमने ये बात क्यों करी तुमने वो बात क्यों करी मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ पे इशूज नहीं है अगर आप प्रेस फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देखें तो हमारे और आपके दरम्यान में सिर्फ तीन चार जो है कंट्रीज का फासला है वन फोर्टी टू पे या वन फोर्टी फाइव पर है ऐसे मगर हमारे यहाँ पे जो परेशान करने वाले लोग हैं वो कोई फौजी नहीं है यहाँ पर हमारे यहाँ पे परेशान करने वाली कम्युनिटी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी होती है hmm. आपके यहाँ पे जो खलाई मखलूक है वो होती है ये 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 फर्क है तो दोनों में आप इस से इस से मैं आप इससे इससे ज्यादा और मैं आपसे क्या मैं, दे, मैं आपसे देनादारी से बात कहूं ये थोड़े साल ये कश्मीर वश्मीर और ये बातें नहीं करनी चाहिए एट वॉट कॉस्ट सवाल बन, पूछने का ये है कि आप कोई भी पाकिस्तान में बैठ के मैं अभी हिंदुस्तान में बैठ के अगर कश्मीर का या किसी खत्ते का नाम लेता हूं तो मैं अपने आप से ये जरूर पूछूं कि यार मैं बोल तो रहा हूं इस पे इस इशू को उठा तो रहा हूं मगर एट व्हाट कॉस्ट वो आपकी बात सही है अरविंद भाई मैं आपसे एग्री करता हूं एंड मैंने मेरे को पचास दफा कहा हुआ ये बात एक दफा नहीं पचास दफा कही हुई है कि वी नीड टू एंगेज विद इंडिया ऑन सो मैनी पहले ये ये चीजें डिस्कस कर ले एंड एंड हम वो और इस तरह के जो डिस्प्यूट हैं कश्मीर वगैरह जो है उनको एड्रेस करें पहले तो मैं और चीजें बात कर रहा हूं लेकिन आई एग्री विद यू ऑन दिस दैट दैट फर्स्ट फीड द पीपल लोगों को फीड करें उनकी जरूरिया पूरी करें और बाकी ये तो चीजें हैं ये तो अन एंडिंग एक स्टोरी है पिछले पचहत्तर साल से हम भी सुन रहे हैं और इसके लिए हमने भी जितनी नुकसान नगर मैं एक बात कई दफा सोचता हूँ कि स्टेट ने अपने ही गलत फैसले करके अपने लोगों की जाने ले ली है ठीक है बेशक वो आ, हम उसकी जान नहीं बचा सके इन टर्म्स ऑफ हेल्थ हम उसकी जान नहीं बचा सके इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी हम हाँ उसकी जान नहीं बचा सके उसको गरीब रख के उसके रिसोर्सिस ना दे के जॉब्स ना दे के तो रियासतों को अपनी प्रायोरिटीज ठीक करनी चाहिए ताकि जो लोग वहां पे हैं उनकी मैक्सिमम जो है वो देखभाल हो सके एनी हाउ भाई इट्स ऑलवेज ग्रेट टू टॉक टू यू एंड एंड ऑलवेज वी 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 फाइंड होप के एग्री ऑन दिस पॉइंट के वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड जो पिछला जो माजी का जो बैकलॉग है उसको हमें खत्म करना है और हमें आगे की तरफ जाना है और

और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि लोग जो हैं अपना कोई भी सोशल मीडिया पे हो या कहीं पे हो अपने अपना काम करें पूरी जिम्मेदारी के साथ और अगर हम अपना रोल जिस दिन पूरी ईमानदारी से करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद ही हम किसी और से तो रख सकते हैं अगर हम ही नहीं करते हैं तो जिन जिनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं हमारे तो आ, कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है जिनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं वो तो आप वो तो वो तो आप वो तो अपना सोचेंगे साहब वो लोगों का क्यों सोचेंगे अगर exactly. किसी को नफरत फैला के और उसी में कमाई हो रही है तो वो तो वो जो चीज बिकती है वो तो वही बेचेंगे साहब उन्हें तो पैसे कमाने हैं ट्रू एग्री uh, बिल्कुल सही कह रहा हूँ एटलीस्ट हमें अपने आप से ये चीज शुरू करनी चाहिए एंड आई होप हमने जो कोशिश कर रहे हैं इट विल बेयर सम फ्रूट और इसका कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज वैल्यूएबल इनपुट एंड योर रिमार्क्स हमेशा मजा आता है थैंक यू ग्रेटफुल थैंक यू मच